हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पनीर बनाने वाली हूँ। देखिए पनीर यहाँ पर मैंने 250 ग्राम ली हूँ, काट चुकी हूँ। दो बड़े साइज का टमाटर, ये मैंने प्याज का बल जो थोड़े बड़े बड़े साइज में काटे हैं, अदरक, प्याज, काजू और लहसुन। आइए देखते हैं कैसे करके बनाती हूँ मैं। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी डाली हूँ और इसमें मैं पनीर को पहले फ्राई कर लूँगी। इसको पहले फ्राई कर लेंगे, पनीर में बहुत ज़्यादा पानी निकलता है। देखिए पनीर का पानी सब सूख चुका है, इसको मैं ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, निकाल लूँगी। और ये छोड़ चुका है पनीर, देखिए पानी खत्म हो चुका है। देखिए मैं एकदम थोड़ा सा ऑयल ली हूँ, फिर से ऑयल में पहले जो मैं प्याज काट के रखी हूँ उसको डाल दूँगी। इसी साथ जो लहसुन काटी थी उसको भी डाल दी, थोड़ा सा अदरक, काजू, सबको इसको के लिए फ्राई कर लूँगी पहले। इसी साथ जो टमाटर काट कर उसको भी डाल देंगे। थोड़ा सा नमक देने से टमाटर जल्दी गल जाता है, इसलिए इसको दो मिनट के लिए ढक देंगे। देखिए प्याज अच्छे से सब पक चुका है, गल चुका है, अब इसको मैं निकालूंगी। कढ़ाई में मैं ऑयल डाल चुकी हूँ, जो प्याज का बल्ब बनाई हूँ उसको का डालूंगी। ज़्यादा गर्म तेल में मत दीजिएगा, नहीं तो प्याज जल्दी जल जाएगा। इसे सॉफ्ट करना है थोड़ा सा। इसमें है जीरा, धनिया और लाल मिर्च का पाउडर, एक साथ है तीखा वाला। अगर आपके पास कैप्सिकम अवेलेबल होगा तो आप उसको भी डाल सकते हो प्याज के साथ। इसे भी ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना होगा, इसलिए सिर्फ सॉफ्ट करना है। ठीक है, सॉफ्ट हो चुका है, अब इसको मैं डाल दूँगी। जो अदरक लहसुन कुछ फ्राई थे वो वाला है। देखिए अब इसमें मसाला डाल दूँगी। देखिए मैंने हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डाल चुकी हूँ, उसको दोनों को मिक्स कर लूँगी। कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी कलर के लिए। इसे एक दो मिनट के लिए भर दूँगी जिससे कि मसाला भी अच्छे से फ्राई हो जाए। फ्राई कर रही हूँ वो हल्दी का कश्मीरी हो जाए। रेडी है, इसमें कस्तूरी मेथी डाल दूंगी। कस्तूरी मेथी में डाल चुकी हूँ। मुझे थोड़ा सा ग्रेवी पतला करना है, इतना ना करना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। डाले पनीर पानी डाले, गर्म पानी डाले, इसे पनीर भी सॉफ्ट होगा और मसाला भी अच्छा लगेगा खाने में। नमक स्वाद अनुसार। जो पनीर फ्राई करके रखे उसको डाल दो। देखिए पनीर बन के रेडी हो चुका है। ना पतला ना मोटा, बिल्कुल अच्छे से रोटी हो, पराठे हो, नान हो, किसके भी साथ खा सकते, बहुत ही खाने में टेस्टी लगेगा। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।